आजकल लगभग हर व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर होता है, जिसमें आप अपनी बचत के अमाउंट को रखते भी हैं और जरूरत पड़ने पर निकालते भी हैं। पैसे घर में रखने के बजाय बैंक में रखना सुरक्षित माना जाता है और बैंक में रखे पैसों पर ब्याज भी मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई बैंकों जैसे PNB, यस बैंक और PMC बैंक में हो रहे घोटालों के बाद क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो बैंक डूब जाते हैं जिसमें आपका खाता है तो आपके पैसों का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी बैंक के दिवालिया होने पर उस बैंक के ग्राहकों का हित किस प्रकार प्रभावित होता है, ऐसे में रिजर्व बैंक की क्या भूमिका रहती है, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, इसमें कितना कवर मिलता है और बैंक के दिवालिया होने पर DICGC अर्थात डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों, आज के समय में जब बचत के महत्व को हर कोई समझता है तो ऐसे में लगभग प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर खुला होता है, चाहे वह नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, RD अकाउंट हो, जनधन अकाउंट हो, FD अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। ऐसे में यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो सभी खाता धारकों का नुकसान होता है, चाहे अकाउंट किसी भी कैटेगरी का हो। वैसे तो हमारे देश में बैंकों पर रिजर्व बैंक की कड़ी नजर रहती है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं होने की संभावना काफी कम रहती है। ज्यादातर जब भी कोई बैंक परेशानी में होता है या फिर उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगती है तो भारतीय रिजर्व बैंक कोई न कोई समाधान करके उसे संभाल लेता है। लेकिन फिर भी कॉरपोरेटिव बैंक हमेशा दिक्कत में रहते हैं, जिनकी वजह से कई बार ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राहकों को इस प्रकार बैंक के दिवालिया होने पर होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 15 जुलाई सन 1978 को DICGC अर्थात डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। DICGC एक जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई कंपनी है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है। यह बॉडी बैंक कस्टमर्स द्वारा बैंक में सभी प्रकार के अकाउंट में रखे पैसों पर इंश्योरेंस कवर देती है। इस प्रकार बैंक ग्राहकों के हित में सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस की शुरुआत की। इस इंश्योरेंस का फायदा उन्हीं बैंक के ग्राहकों को मिलता है जो समय पर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं। वैसे RBI के निर्देशों के मुताबिक सभी कॉमर्शियल और कॉपरेटिव बैंक का DICGC से बीमा होता है, जिससे जमाकर्ताओं की बैंक जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर रहता है। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक को खुद भरना होता है। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता को अपने जमा किए पैसों पर अब 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि पहले 1 लाख था। 1 अप्रैल 2020 से इस इंश्योरेंस के बदले बैंक DICGC को प्रति 1000 रुपए के इंश्योरेंस के लिए 12 पैसे प्रतिवर्ष का प्रीमियम देंगे। इस प्रकार नियमों के अनुसार अब अगर कोई बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है या उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उस बैंक के ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सिक्योर्ड है। इससे ज्यादा राशि जमा हो तो बैंक डूबने के कारण बाकी राशि भी डूब जाती है। यह कवर RBI की सहायक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की शुरुआत 1500 रुपए से हुई, 1500 रुपए से बढ़कर यह 5000 रुपए हुआ, फिर 10000, फिर 20000, फिर 30000 और फिर 1993 में 1 लाख। उसके बाद अब 2020 में बहुत लंबे समय के बाद बढ़कर यह 5 लाख हुआ है। सभी कमर्शियल व कोऑपरेटिव बैंक इस स्कीम में शामिल हैं। इसमें 18 पब्लिक सेक्टर बैंक, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 46 फॉरेन बैंक, सभी ग्रामीण बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आदि शामिल हैं। लेकिन इसमें प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कवर्ड नहीं होती हैं। अब जानते हैं बीमा कवर किन किन अकाउंट में और कौन कौन से डिपॉजिट्स पर मिलता है। इस इंश्योरेंस के अंतर्गत सेविंग, करंट, रेकरिंग और फिक्स्ड खातों में जमा धनराशि पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है। दूसरे देश की सरकार की तरफ से जमा राशि, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जमा राशि, अंतर बैंकिंग जमा इत्यादि पर बीमा कवर का प्रावधान नहीं है। जमाकर्ता को जो अधिकतर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है उसमें मूलधन और उस पर मिला ब्याज भी शामिल होता है। अब जान लेते हैं इस बीमा का लाभ उठाने के लिए क्या क्या नियम है। अगर किसी एक बैंक की अलग अलग शाखाओं में आपकी धनराशि जमा है तो सभी शाखाओं में जमा धनराशि को जोड़ दिया जाएगा और अधिकतम 5 लाख रुपए की जमा राशि पर ही बीमा कवर का फायदा मिलेगा।
मान लीजिए कि किसी जमाकर्ता का एक बैंक की 3 शाखाओं में कुल 7 लाख रुपए जमा है, तो उस बैंक के डूबने की स्थिति में जमाकर्ता को कुल 5 लाख रुपए का ही भुगतान किया जाएगा। इस तरह अगर आपके किसी बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं और इस बैंक में 3 लाख रुपए की एफडी है, तो ऐसी स्थिति में कुल 5 लाख रुपए का ही बीमा कवर मिलेगा। लेकिन यदि एक बैंक की एक ही या अलग अलग शाखाओं में अलग अलग तरह की कैपेसिटी का खाता हो, तो अलग अलग कैपेसिटी वाले खाते में जमा धनराशि पर अलग अलग बीमा कवर का फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी जमाकर्ता का किसी एक बैंक में एक इंडिविजुअल अकाउंट है और उसी बैंक में पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, नाबालिग बेटे के साथ अभिभावक के तौर पर अकाउंट है, तो इस स्थिति में तीनों अकाउंट की कैपेसिटी अर्थात ऑनरशिप अलग अलग मानी जाएगी और तीनों अकाउंट पर अलग अलग बीमा कवर भी मिलेगा। अब जान लेते हैं कि एक से ज्यादा ज्वाइंट अकाउंट होने पर क्या नियम है। अगर कोई जमाकर्ता का एक बैंक में एक से ज्यादा ज्वाइंट अकाउंट है और सभी ज्वाइंट अकाउंट में अगर वो जमाकर्ता एक ही तरह का होल्डर है, अर्थात सभी में वो फर्स्ट होल्डर है या सभी में वो सेकंड होल्डर है या सभी में थर्ड होल्डर है, तो सभी ज्वाइंट अकाउंट पर जमा धनराशि को जोड़ दिया जाएगा, मतलब अलग अलग बीमा कवर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट में जमाकर्ता का नाम एक ऑर्डर में नहीं है, मसलन अगर एक ज्वाइंट अकाउंट में वह पहले अकाउंट होल्डर है, दूसरे में वह दूसरा और तीसरे में वह तीसरा, या अलग अलग लोगों के साथ ज्वाइंट अकाउंट हो, तो अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट में जमा धनराशि पर अलग अलग बीमा कवर मिलेगा। अब जान लेते हैं कि यदि जमा राशि अलग अलग बैंकों में हो तो क्या नियम है। अगर आपकी धनराशि अलग अलग बैंकों में जमा है तो प्रत्येक बैंक के लिए बीमा कवर की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी। मान लीजिए ए बैंक में आपके 6 लाख रुपए जमा है और बी बैंक में 7 लाख रुपए जमा है। अगर दोनों बैंक डूब जाएं तो आपको दोनों बैंकों में डूबी हुई राशि पर बीमा कवर में 5-5 लाख रुपए यानी कुल 10 लाख रुपए का भुगतान मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार आज आपने जाना कि बैंक में रखे आपके पैसों पर कितना और किस प्रकार बीमा कवर मिलता है। 5 लाख से ज्यादा अमाउंट आगे से जब भी आपको बैंक में इकट्ठा रखना हो तो एक ही बैंक में ना रखें, बल्कि उन्हें अलग अलग बैंकों में रख दें। इस प्रकार आप बैंक में अपने पैसों को सुरक्षित जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।